नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज की शुरुआत होगी और इस शुरुआत के बाद पहले शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण के बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद लोकसभा सदन की विधिवत तैयारी यानी सदन चलेगा। सदन में मोदी आमने सामने होंगे। राहुल कितने वक्त बैठेंगे, मोदी कितनी देर रहेंगे, ये तो सदन जब चलेगा तब तय होगा। लेकिन इस बार मोदी प्रथम और मोदी द्वितीय जैसी ये सरकार नहीं होगी। पहले कांग्रेस के पहले सत्र में 44 सांसद थे। नेता प्रतिपक्ष का ओहदा नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस को नहीं दिया। लोकसभा में सदन की कुल संख्या के 10% सदस्य अगर नहीं है तो कोई भी दल उसे सत्ताधारी दल विपक्ष की हैसियत देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। वहीं इस बार दूसरी लोकसभा 2019 में कांग्रेस के पास 54 सांसद थे, जो एक सांसद कम था नेता प्रतिपक्ष के पद की संख्या से। बीजेपी ने फिर उन्हें संसद का नेता प्रतिपक्ष नहीं दिया। अब इस बार सांसदों की संख्या 99 है, संख्या से 2 गुने से कुछ कम। वहीं सामूहिक जो एनडीए सरकार बना रहा है उसके सामने अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसके पास सांसदों की संख्या 240 है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी मोदी के बिल्कुल सामने बैठकर आंखों में आंख डालकर जनता के सवाल करेंगे। इस बार सवालों की फेरिस्त भी बहुत लंबी है। पहला सवाल जो ताजा घटनाक्रम का है वो बच्चों का जीवन और मरण, बच्चों की परीक्षा, पेपर लीक, ये सबसे बड़े दो प्रश्न पूरे समय कोंधते रहेंगे और पूरे समय बीजेपी को हैरान करते रहेंगे। अगर हम इस सब पर बात करें तो कई चीजें निकल निकल कर सामने आएंगी जो राहुल और प्रधानमंत्री को कचोटती रहेंगी, जहां हर वक्त सवाल खड़े होंगे, जहां हर वक्त प्रश्न खड़े होंगे, लोग पूछेंगे, राहुल पूछेंगे, बताइए मोदी जी, पेपर लीक को लेकर आपकी क्या योजना है? पेपर लीक पर आपने राजस्थान का चुनाव लड़ा था, पेपर लीक पर सवाल किए थे। पहले राज्य सरकारों के पेपर लीक हो रहे थे, अब भारतीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का पेपर लगातार लीक हुआ और बाद के पेपरों से उसने अपनी जान छुड़ाई, यह कहकर कि मेरे पास अब परीक्षा कराने के लिए संसाधन नहीं है। तो मान्यवर हमें बताया जाए कि अब तक की जो परीक्षाएं लेता रहा नीट, उसके लिए क्या उसके पास समुचित व्यवस्थाएं थी? ये बात सदन में उठेगी, गूंजेगा मुद्दा। अगला मुद्दा होगा महंगाई। आज बाजार में महंगाई बेहद तीव्रता से आगे बढ़ रही है, चाहे आलू के दाम हो, दाल के दाम हो, सब्जी के दाम हो, तेल के दाम हो, और कोई दूध के दाम हो, सब दामों में बेतहाशा वृद्धि पर सरकार का नजरिया क्या है? उसके बाद अगला सवाल सुरक्षा व्यवस्था। राहुल गांधी ने एक और नया ऐलान किया है। राहुल गांधी के जो आज विपक्षी दल के जो सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, वो सभी सांसद संविधान की कॉपी लेकर आज लोकसभा के सदन में प्रवेश करेंगे। वो संविधान लेकर जाएंगे, संविधान का आईना भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाएंगे कि देखिए संविधान, संविधान देखकर पढ़कर जनता के सवालों का जवाब दीजिए। इसी संविधान को बदलने की बार बार आप चर्चा करते थे, अब 240 सांसद संविधान लेकर सदन में प्रवेश कर रहे हैं। आपको संविधान की शपथ भी लेनी होगी और संविधान के मुताबिक
जनता के जनार्दन के कार्य भी करने होंगे, ये संविधान की मूल कॉपी है। राहुल का ये ऐलान, राहुल की ये बात आज पूरी ताकत से सदन में गूंजेगी कि जब संविधान लेकर विपक्षी दल के सभी सांसद सदन में पहुंचेंगे, इसके बाद प्रोटेम स्पीकर एक एक करके सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण कराएंगे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज और कल चलेगा, जिसे हम आपके समक्ष अभी सदन शुरू होने के बाद प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे किन किन सदस्यों ने किस किस भाषाओं में और किस किस तरीके से शपथ ली। उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और यानी 26 जून सरकार की पहली परीक्षा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, जहां खबर आई है कि टीडीपी अब लोकसभा अध्यक्ष के पद से किनारा करती नजर आ रही है, वहीं नायडू और गृह मंत्री के फोन ने पूरे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर संकट के बादल ला दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें लोकसभा अध्यक्ष के पद से कोई लेना देना नहीं, हमें आंध्र प्रदेश के लिए पैसा चाहिए और मेरे 16 सांसद हैं, एक एक सांसद को तीन तीन विभाग आवंटित किए जाएंगे, उन तीनों विभागों के लिए केंद्र सरकार समुचित धन की व्यवस्था करे। क्या कर पाएगी? मुझे नहीं लगता है कि सरकार एक राज्य के लिए पूरे देश का खजाना एक तरफ कर दे, लेकिन मरता है वो क्या नहीं करता है। अगर सरकार को सुरक्षित रखना होगा तो टीडीपी के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, टीडीपी के आगे अपना आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। अगर 16 सांसदों के 48 विभागों को यानी 100-100 करोड़ का भी बजट दिया जाएगा तो 4800 करोड़ हो जाता है, और 1-1000 करोड़ का बजट दिया गया तो ये 48000 करोड़ हो जाएगा। क्या एक राज्य को इतना भारी भरकम बजट मोदी सरकार मुहैया करा पाएगी? अब टीडीपी की इस मांग के सामने बीजेपी पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाएगी। बीजेपी के पास ना धन होगा, ना जन होगा, ना मन होगा, कैसे करेगी वो टीडीपी की इस मांग को स्वीकार? ये मुद्दा अब घमासान मचा देगा। इंटरनेशनल खबर का ये मेन स्लोगन है और उस पे ये खबर छपी है कि टीडीपी अब राज्य के लिए धन मांग रही है, कह रही है लोकसभा अध्यक्ष का पद ले जाइए, किसी को बना दीजिए, हमें हमारे राज्य के विकास के लिए धन चाहिए। यही मांग नीतीश कुमार भी अब नायडू के साथ साथ बीजेपी से करेंगे और इसीलिए लगातार एनडीए में झगड़ा पड़ता नजर आता दिख रहा है। ये मांग वो मांगे होंगी जिनसे सरकार बैकफुट पर आएगी। मैं लगातार आपसे कह रहा था कि इतना दबाव तो यूपीए 2 की सरकार में मनमोहन सिंह पर भी नहीं था जितना मोदी 0.3 सरकार में नरेंद्र मोदी पर जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी बनाएगी, क्योंकि दोनों दलों को यह पता है अगर हमने सत्ता से करवट इधर लिया, तो सत्ता कोलैप्स कर जाएगी। और जब हमें ये पता होता है कि मेरे दम पर ही ये सब काम चल रहा है तो हम कभी भी परीक्षा लेने के लिए मैदान में कूद जाते हैं, और यही परीक्षक हैं दोनों, नीतीश और नायडू सरकार के वो छात्र हैं जिनके ऊपर दोनों की निगाह लगी है कि यही दोनों टॉप करते रहें, यही दोनों टॉपर बने रहें तो सरकार सुरक्षित बनी रहेगी। आज लोकसभा सत्र में राहुल गांधी नीट का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, संविधान का मुद्दा और कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, और सरकार इसलिए खामोशी से अभी तक सदन की शुरुआत होने जा रही है सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई। सर्वदलीय बैठक बुलाना हमेशा सदन से पहले की रिवाज रही है, हो सकता है इस बार सदन की बैठक तब बुलाई जाए जब सभी दलों के नेता तय हो जाएं, सभी दलों के शपथ ग्रहण हो जाए, सांसद शपथ ले लें, उसके बाद पहले बैठक बुलाई जाए, फिर सदन के संचालन के लिए जो संसदीय कार्य मंत्री है वो सभी पार्टियों से आह्वान करें कि सदन को विधिवत चलने दिया जाए और सदन की कार्यवाही सबके लिए समुचित व्यवस्था के तहत चले। आज ये कार्यवाही
बड़ी महत्वपूर्ण होगी। वहीं एक और खबर आपको इसमें सम्मिलित करूंगा कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम को लाने वाले लोग, प्रभु श्री राम के पदार्पण कराने वाले लोग यानी भारतीय जनता पार्टी खुद बैकफुट पर आ गई, बैकफुट पर खुद ही नहीं आई, अयोध्या की वो सभी भ्रष्टाचार की नींव हिलती नजर आई, जहां सड़क से लेकर सब कुछ टूटता फूटता नजर आ रहा है। रेलवे की बाउंड्री टूट गई, राम मंदिर पथ की सड़क कई जगह धस गई। वहीं आज एक धर्मशाला के सामने पहली बारिश में ही पानी भर गया है। क्या राम के कोप से भाजपा अब बच पाएगी? क्या राम की नाराजगी से बीजेपी खुद को बचा पाएगी? ये सवाल प्रत्येक नागरिक अब भारतीय जनता पार्टी से पूछता नजर आएगा कि आप तो राम को लाए थे, अब आपसे राम किनारा करते क्यों नजर आ रहे हैं? आपसे राम नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? अयोध्या की सीट से बेदखल किया, चित्रकूट से बेदखल किया, श्रावस्ती से बेदखल किया, अब आपको सरकार से बेदखल करने का वक्त आ रहा है। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, आप मीडिया में देखिए, तस्वीरों से भरा पड़ा है ट्विटर, अयोध्या की तस्वीरों से भरा पड़ा है ट्विटर। कितनी जगह सड़क टूट गई, कितनी जगह पानी भरा है, ये खबरें जनमानस को हिला देती हैं। आज अयोध्या के प्रति पूरे देश का समर्पण भाव है, पूरे देश अयोध्या के प्रति नतमस्तक है, पूरे देश में अयोध्या के प्रति अलग भाव का सम्मान है। और ये सम्मान तब कमजोर पड़ा जब आपने नारा दिया कि प्रभु श्री राम को लाएंगे, लाए हैं, हम उन्हें सत्ता में लाएंगे जो प्रभु श्री राम को लाए हैं। ये स्लोगन भी आपके लिए बहुत नेगेटिव पड़ा, इसको लेकर धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों में आपके प्रति नाराजगी बे इंतहा बढ़ी। और यही कारण रहा कि आप हर मौके पर मुंह की खाते नजर आए। मैं अगर आपसे चर्चा करूं, मैं अगर आपसे बातचीत करूं, तो मेरा रुझान ये है कि सदन चले, विधिवत चले, मणिपुर पर चर्चा अब तो होनी चाहिए। अब तो आरएसएस भी कह रहा है, अब तो कांग्रेस की मांग को प्रधानमंत्री जी को खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। आखिर मणिपुर तो इस देश का हिस्सा है। जो सबसे अहम सवाल है, अब मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी को जवाबदेही तय करनी होगी। बीते दिनों वहां सचिवालय के बगल में एक बिल्डिंग में आग लगा दी गई, उसको लेकर सरकार ने, राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की, इसका जवाब भी सरकार को देना होगा। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि सरकार की जवाबदेही तय हो, सरकार का रोजगार का रोड मैप सामने आए, सरकार को महंगाई रोकने का रोड मैप सामने आए, सरकार बताए सदन में कि कैसे हम देश की आर्थिक व्यवस्था तय करेंगे। उस समय जब करोड़पति भारत छोड़कर जाने में इंटरेस्टेड हो, भारत से विदा लेने में इंटरेस्टेड हो, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था रोकने के लिए, भारत को और ताकतवर बनाने के लिए बीजेपी के पास क्या रोडमैप है? अगर देश से इसी तरीके से करोड़पतियों का पलायन जारी रहा तो क्या देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी? क्या देश की जो माली हालत है वो ठीक होगी? इस पर चर्चा कब होगी? सदन में इस पर चर्चा होना नितांत आवश्यक है। सदन में सवाल पूछना चाहिए, सदन में ये सवाल जरूर गूंजेगा। जिस तरीके से मैं अपने सवाल उठाता हूं, इनमें वो सवाल है जो सभी सवाल सदन में गूंजेंगे नहीं, चीख चीख कर आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी के मुंह से ये सभी सवाल आपको सामने आते दिखेंगे, जो सवाल मैं गिना रहा हूं, नीट का, महंगाई का, मणिपुर का, करोड़पति जो देश छोड़कर जा रहे हैं, ये आपका बुलडोजर, ये सभी सवाल उठेंगे। देश में संविधान से देश चलेगा, देश मनमाने तरीके से अब नहीं चलेगा, देश में चर्चा होगी, दंगे जो फसाद हुए उनकी भी चर्चा होगी, जो माहौल आपराधिक कृत्यों का हुआ है उनकी भी चर्चा होगी। जिस तरीके से कल दलित नेता, भीम आर्मी के प्रमुख, सांसद चंद्रशेखर अलीगढ़ पहुंचकर उन पीड़ितों से मिले हैं, जिनके घर से एक बच्चे को चोरी के आरोप में पकड़ा गया और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मैं मानता हूं कोई अपराधी हो तो क्या अपराधी को सजा देने के लिए हमारे कानून में अब खुली छूट दे दी है? उसे पूरे
अलीगढ़ का माहौल बिगड़ा, आगजनी हुई, दंगा फसाद की स्थिति उत्पन्न हुई। कौन थे वो लोग जो अलीगढ़ को आग में झोंकना चाहते थे? वो कौन थे लोग जो फिरोजाबाद को आग में झोंकना चाहते थे? वो कौन थे लोग जो बरेली में सरेआम फायरिंग करके दहशत का माहौल पैदा करना चाहते थे? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग जो देश के कई राज्यों में माहौल को गर्मा रहे हैं, कई मुद्दों पर गर्मा रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर गर्मा रहे हैं, देश शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान के नाम पर गर्मा रहे हैं? ये सब मुद्दे नहीं, देश में शिक्षा स्वास्थ्य का माहौल बनाइए। देश में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, इस पर चिंता किसको है? देश की शिक्षा व्यवस्था लगातार गिर रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्थाएं ध्वस्त होती चली जा रही है, इन पर चर्चा कब होगी? सबसे बड़ी चर्चा राहुल गांधी को अगर देश को बचाना है तो सबसे बड़ी चर्चा शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था पर होने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जिस देश की कमजोर होगी उसकी नींव मजबूत होना उतना ही मुश्किल है जैसे कच्ची नींव पर मकान को चिन देना। अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हुई तो क्या आपको लगता है इस देश को आगे ले जाने के लिए कोई और तरीका है? तो सबसे पहले पूरी ताकत से राहुल गांधी को शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर यानी पेपर लीक की समस्या से निजात दिलाने की जरूरत है और सरकार से इस पर श्वेत पत्र जारी करने के लिए कांग्रेस मांग करे। बिना श्वेत पत्र मांगे किसी भी कीमत पर सदन को ना चलने दिया जाए। सरकार श्वेत पत्र जारी करे और बताए आज के बाद पेपर लीक के लिए हमने सख्त से सख्त कानून बनाए हैं और उन कानूनों के सामने हम नतमस्तक नहीं होंगे, वो अपराधी नतमस्तक होंगे जो पेपर लीक करने में इंटरेस्टेड है। अब आप बताइए उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा का पेपर लीक होता है, पेपर लीक कराने वाला गुजरात का रहने वाला है और वो गुजरात स्टेट से बाहर चला जाता है, उसे पुलिस ने रोका नहीं, विदेश चला गया। अब यूपी की एसटीएफ उसे खोजते घूम रही है और वो विदेश में मजा कर रहा है और यहाँ 48 लाख से ज्यादा बच्चे अपने जीवन और के संकट से दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने पुलिस की परीक्षा दी, परीक्षा का पेपर लीक हो गया, कई बच्चे खुशी मना रहे थे कि मेरे तो बड़े अच्छे नंबर आएंगे, मैंने बड़े मन से इस बार पेपर किया है। और जब वो घर पहुंचे थोड़ी देर में उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द हो सकती है, तो उनके मन की क्या आप समझ रहे हैं? अरे आप तो मन की बात बहुत करते हो, किसी की मन की बात समझोगे भी? उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी जिनका पेपर लीक हुआ? उन बच्चों के मन में कितना अवसाद आया होगा कि जो परीक्षा देकर हम अभी आए हैं और बड़े अच्छे नंबर की बातचीत चल रही है, मैंने पेपर बड़ा अच्छा हुआ है, अब वो परीक्षा निरस्त की जाएगी। ऐसे में बच्चे का आने जाने का खर्चा, वहां जहां परीक्षा देने गया वहां रुकने का खर्चा कौन बियर करेगा? वो किसान का बेटा था, किसी तरीके से 1,000-2,000 रुपया कर्जा लेकर परीक्षा देने गया था और उस परीक्षा को आपने लीक करा के, पेपर लीक करा के निरस्त कर दी। वो बच्चा क्या अब दोबारा परीक्षा की तैयारी उसी मन से कर पाएगा? अगर नहीं उसने उस मन से की तो क्या वो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो पाएगा? ये सवाल वो नहीं, उसके परिजन, उसके इष्ट मित्र, उसके रिश्तेदार सब सोचने को इन सवालों पर मजबूर हैं। और आप कानों में तेल डाले मस्त होकर बैठे हैं। आज सदन में ये सवाल राहुल गांधी को प्रमुखता से उठाना चाहिए कि वो यूपी पुलिस पेपर लीक का आरोपी विदेश कैसे भाग गया, गुजरात की सरकार कानों में तेल डाले कैसे बैठी रही, क्या यही गुजरात मॉडल है, अपराध करो और विदेश भाग जाओ? इसी को लेकर राहुल गांधी ने कई सवाल दागे थे जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता लोकसभा में चली गई थी। बाद में कोर्ट के जरिए से उन्हें वो लोकसभा की संसद सदस्यता वापस मिली थी। इसका मतलब अगर कोई सरकार से सवाल करेगा तो सरकार उसे घुमाकर अपनी गिरफ्त में लेने का पूरा प्रयास करेगी। तो मेरा मानना है कि जनता का साथ और जनता के सहयोग के बिना सरकार से सवाल करना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज आपने मजबूत विपक्ष बनाया है तो विपक्ष का प्रोग्राम है कि आज सदन में प्रत्येक सदस्य
संविधान की कॉपी लेकर सदन में जाएगा, चर्चा करेगा संविधान की, चर्चा करेगा बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान की और संविधान से प्रदत्त अधिकारों की, कि दीजिए प्रधानमंत्री जी हमें हमारे अधिकार वापस दीजिए, हम अधिकारों के वजूद के लिए आए हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ने आए हैं। लोकसभा में आज बड़ी ताकत से राहुल गांधी इन सवालों पर बातचीत करेंगे। नीट का पेपर, पुलिस का पेपर, महंगाई, शिक्षा, रोजगार, ये सब बड़े अहम सवाल हैं जिन पर सरकार की जवाबदेही आज लोकसभा सदन के बीच यानी 3 जुलाई से पहले तय होगी और तय होगा सदन में किस प्रारूप से सदन चलेगा, कैसे कैसे जवाबदेही तय होगी। क्या राहुल और प्रधानमंत्री आमने सामने बैठकर एक दूसरे से इन सवालातों पर जवाब मांगेंगे? क्या प्रधानमंत्री पहले की तरह सदन से लापता होंगे या फिर इंडिया गठबंधन के इन नेताओं के तीखे सवालों का जवाब देने के लिए सदन में आमना सामना करने के लिए उतारू होंगे, या फिर सदन पूर्व भांति जैसे पूर्व चला था, पिछली बार 150 सांसदों को गैर हाजिर कर दिया गया यानी सस्पेंड कर दिया गया, क्या सदन उसी मर्तबा फिर किसी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष का चयन करेगा जो ऐसे ही सदन चलाए? मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि इस बार भी लोकसभा को किसी ऐसे ही अध्यक्ष की तलाश होगी ताकि मजबूत विपक्ष अपनी बात सदन में ना रख पाए, जनता के मुद्दे सदन में ना उठे, सदन खामोशी से ना चलता रहे, सदन में सवाल और जवाब पूछने से पहले संसद की सदस्यता खतरे में नजर आए, ऐसा सोच समझकर संसद सदस्य बोलने से अपने को दूर रखें। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसे तरीके से बातचीत हुई तो सदन इस बार तीखे जवाब विपक्ष के रूप में सरकार के समक्ष रखेगा। लोकसभा सत्र में आज जो मुख्य मुद्दे हैं वो नीट की परीक्षा, शिक्षा की गिरती स्थिति जिससे लगातार कांग्रेस ट्विटर पर ट्रेंड करा रही है, शिक्षा की गिरती स्थिति से पूरा देश चिंतित है और उसमें सबसे बड़ी बाधा है पेपर लीक। परीक्षार्थी कितने मुश्किल से पेपर की तैयारी करता है, अंतिम में पता लगता है कि अब उसका पेपर लीक हो गया है और शायद परीक्षा निरस्त होगी। ऐसे में सबसे अहम मुद्दा एक और है, मणिपुर पर। मणिपुर पर भी प्रधानमंत्री को इस बार जवाब देना पड़ेगा। जिस हिसाब से आरएसएस प्रमुख ने यानी मोहन भागवत ने भी मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये अभिमानी पार्टी है, ये अहंकारी पार्टी है। देखना यह होगा क्या अहंकारी पार्टी सदन में आपसी सद्भाव से या फिर विरोधाभास से सदन को चलाएगी। देखना यह है कि सदन का पहली बार इस 18वीं लोकसभा सदन सत्र का अध्यक्ष कौन चुना जाए। अध्यक्ष के बाद बहुत कुछ पर्दा हटेगा, सदन कैसे चलेगा, क्या सदन के सदस्यों को बाहर फेंका जाएगा, क्या उन्हें निलंबित किया जाएगा, ये बड़ी बातें बीजेपी को कचोटती चली जा रही है कि कैसे चलेगा इस बार का सदन, जहां बड़ी संख्या में मजबूत विपक्ष से पहली बार नरेंद्र मोदी अपने जीवन का पहला सामना करेंगे। इससे पहले कभी उन्होंने ना तो गुजरात में विपक्ष मजबूत होने दिया, ना उन्होंने देश की लोकसभा सदन में मजबूत विपक्ष होने दिया, और छिटपुट विपक्ष था भी उसमें उन्होंने तोड़फोड़ रखी। जैसे YSR कांग्रेस के बड़े सदस्य थे ज्यादा, तो उन्होंने YSR कांग्रेस को अपने गुट में मिला के रखा। दूसरी ओर बीजू जनता दल के सदस्यों की लोकसभा सदस्यों की ज्यादा संख्या थी तो उन्होंने अपने दल में मिला के रखा। बाकी कई छोटे मोटे दल थे जिनके सदस्य संख्या 3-4 थे, उनकी पार्टी ने स्थानाभूत कर दी, जैसे शिवसेना, शरद पवार की NCP। ये सब चीजें विद्रोह का कारण इस बार क्या करेगा, क्या गुल खिलाएगा, ये अभी सबको इंतजार है कि कैसे चलेगा इस बार का लोकसभा सदन, राहुल गांधी क्या क्या सवाल करेंगे, राहुल गांधी क्या पूछेंगे। 4300 करोड़पति देश छोड़कर चले गए हैं, आखिर ये करोड़पति देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उन्होंने सुरक्षा पर सवाल उठाया है, उन्होंने सहूलियत पर सवाल उठाया है कि इस देश में व्यापार और रोजगार करने पर टैक्सों की भरमार है, ऐसे में हम यहाँ व्यापार करने में सुरक्षा व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था के दायरे में भी हम अपने को सुरक्षित और संरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ये सवाल भी आज का सबसे
बड़ा सवाल है, और सबसे बड़े सवाल को लेकर क्या कांग्रेस लोकसभा में चर्चा करेगी, ये सवाल भी बीजेपी को कचोटेगा। हालांकि इसके अलावा मणिपुर, इसके अलावा नेट परीक्षा, महंगाई, और सीधा सवाल होगा कि देश में सुरक्षा व्यवस्था, रेल विभाग का दुर्घटना भी अहम सवाल होगी कि लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, रेल में जो बढ़ती हुई स्थितियां हैं, रेल में जो बढ़ते हुए किराए भाड़े हैं, उसके सापेक्ष क्या सरकार लोगों को सहूलियत दे रही है या फिर किराया भाड़ा बढ़ाने में ही मदमस्त है। लोकसभा में इस बार डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी सवाल होगा। भारतीय जनता पार्टी के आपसी विद्रोह पर भी सदन में घेरा जाएगा, चर्चा होगी। जिस तरीके से आज एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व के कैबिनेट केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपनी बायो से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान हटा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचार प्रसार की वो एक वेबसाइट चलाते थे, उस वेबसाइट को भी आज ही उन्होंने बंद कर दिया है। ये सवाल भी सदन में उठेंगे, सदन में चर्चा होगी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी को बड़ा झटका माना जा रहा है, जहां संजीव बालियान के बायो से भाजपा का गायब होना और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की वो वेबसाइट बंद हो जाना जिसे प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बनवाया था। क्या कह रही है ये समीकरण, बीते दिनों यानी कल उनका वो लेटर वायरल होना जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था, वो लेटर वायरल होना समाज में क्या संदेश देता नजर आ रहा है, क्या बता रहा है कि भाजपा में अंतर विरोध अभी थमा नहीं है। जहां यूपी में यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा और सरगर्मी बनी हुई है, क्या मुख्यमंत्री बचे, मुख्यमंत्री के पद बचेगा या मुख्यमंत्री को बदला जाएगा, यह सवाल अभी अंधकार में चल रहा है। लगातार यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में लगातार डेरा डाले हुए हैं। क्या इस डेरा डालने का मतलब है, क्या डेरा डालने का मकसद है, ये मीडिया के लोग लगातार कुरेद रहे हैं। हो सकता है देर सवेर इस पर कुरेद कुरेद कर कोई नया जवाब मिले और जनता के समक्ष रखा जाए कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य एक सप्ताह से दिल्ली में अपना डेरा क्यों डाले हुए हैं, क्यों नहीं वो यूपी का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई, उस कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम गायब थे, आखिर दोनों उप मुख्यमंत्री उस बैठक से दूरी बनाकर क्यों रह गए। मुख्यमंत्री लगातार अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, सभी अधिकारियों के पेच कसते नजर आ रहे हैं, कई को उन्होंने टाइट किया है, तो कमिश्नर भी हटाए हैं। अब जिला अधिकारियों की सूची जल्द आएगी। महंत राजू दास का मुद्दा सुपर मुद्दा बना हुआ है प्रदेश का, ऐसे में क्या निश्चित तौर पर कोई बड़ी सरगर्मी चल रही है, क्या यूपी की सरकार केंद्र की सरकार आपस में सहयोगिक भावना से नहीं चल पा रही है। बड़े सवाल हैं, सब सदन में उठेंगे। जब घिरने का वक्त आता है युद्ध में या आपसी झगड़े में, जब हम कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी हम पर सवाल कर खड़े करना शुरू कर देता है। मैं लगातार आपसे कह रहा था कि जल्दी से ही कुछ बड़े ऐलान होंगे, जल्दी कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। 100 दिन का एजेंडा सरकार लेके चली थी, 100 दिन में आज शपथ ग्रहण करके लगभग 20 दिन होने जा रहे हैं, मतलब 1:05 शेयर हो चुका है और अभी वो एजेंडा शुरू भी नहीं हुआ है। क्योंकि लोग अब पूछ रहे हैं, विपक्ष अब सदन में आंख डालकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उन मुद्दों पर सवाल करेगा जो जनहित के मुद्दे हैं। आज विपक्ष के सभी मौजूदा सांसद सदन में संविधान लेकर प्रवेश करेंगे तो मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि संविधान को लेकर इतनी चर्चा चुनाव में क्यों हुई, क्यों पूछा गया कि संविधान बदल देंगे, क्यों चर्चा थी संविधान बदलने की। ये सवाल सब पूछने के लिए आतुर हैं। देश का जनमत जानना चाहता है कि वो कौन लोग थे, वो चुनिंदा सांसद कौन थे जिन ने इस पर चर्चा की। क्या अरुण गोविल से भारतीय जनता पार्टी पूछेगी
कि आपने संविधान बदलने की बात किस हक से और किस हैसियत से जनता के समक्ष कही। 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब 240 सीटों पर सिमट चुकी है। उन 240 सीटों के बलबूते पर एनडीए के सहयोग से अब सरकार संचालित कर रही है। तो क्या अब एनडीए की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या ये कहना अतिशयोक्ति होगी, अब मोदी की सरकार है, अब तो एनडीए की सरकार खुद एनडीए वाले कहते नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि मोदी पार्ट थ्री में क्या सरकार खुल खिलाएगी, क्या जो आतंकी हमला हुआ देश पर, आतंकी हमला हुआ शपथ ग्रहण वाले दिन, क्या उस पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टीम कब करेगी, क्या उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के साथ उनका हक वाजिब सरकार लौटाएगी कि नहीं लौटाएगी, इस पर भी सवाल बना हुआ है। संविदा कर्मी अपने न्याय के लिए रो रहा है। पेंशन वाले ओपीएस के मुद्दे को लेकर रोज नई बातें करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार इन सभी मुद्दों का सामना कर पाएगी, या उससे पहले भरभराकर किले की तरह ढह जाएगी, अभी ये सवाल करना बेहद जल्दबाजी होगा। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार से आंखों में आंख डालकर विपक्ष सवाल करने में इस बार कोताही नहीं बरतेगा, और यही सोचकर देश की सरकार मौजूदा परेशान है। उसे एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष की अब तलाश है जो सदन में लोगों के सवाल और जवाब को रोके, लोगों की जो मानसिकता है वो सदन में जाने से बचे। कैसे सवालों से बेदखल किया जाए सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के लोकसभा अध्यक्ष की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि उसने नाम खोज लिखा होगा, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मोड़ पर फंसा दिया है, ऐसा गर्म दूध का गिलास पकड़ा दिया है कि ना पी सकते हैं, पिएंगे तो मुंह जल जाएगा और छोड़ेंगे तो सरकार गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को फोन करके ये बात कह दी है कि मुझे लोकसभा अध्यक्ष का पद दो या ना दो, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे मेरे राज्य के लिए उस आवश्यक पैसा की जरूरत है जो मेरे 16 सांसद हैं, उन्हें हम तीन तीन विभाग आंध्र प्रदेश के सौंपेंगे, उन तीनों विभागों के लिए आपको धन मुहैया कराना है। यानी 16 सांसदों के पास 48 विभाग होंगे, अगर 1,000 करोड़ रुपया भी 48 विभागों को मांगा गया या 48 विभागों को दिया गया तो एक राज्य के लिए 48,000 करोड़ का बजट देना केंद्र की सरकार के लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और फिर चंद्रबाबू नायडू अपनी बैसाखी का पांव खींचना शुरू कर देंगे, ये पक्का तौर पर आप मान लीजिए। ये ऐसे ऐसे मुद्दे इसलिए सामने लाए जा रहे हैं, जैसे हम गांव गिराव में जब घर में होते हैं तो ऐसे मुद्दे या ऐसी बातें घर में फैला देते हैं जो किसी भी हालात में पूरी ना हो सकती हूं। बच्चे से हम जब कोई भी बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि कम से कम आप 100% नंबर ले आइए, 95% नंबर ले आइए, हम आपको बाइक दिला देंगे। उसमें से गिने चुने बच्चे ही तो 100% और 95% नंबर लाते हैं, 98 और 99% लाते हैं, उन्हीं को तो परिजन बाइक देते होंगे। अगर सभी बच्चे 95%, 98%, 99% नंबर ले आए तो प्रत्येक वर्ष बाइक और गाड़ियां बिकने के लिए उनके प्रतिष्ठानों पर भीड़ लग जाएगी। मेरा ये मानना है कि फिलहाल लोकसभा सत्र में कौन कौन से मुद्दे गौर होंगे, कौन कौन से मुद्दों पर सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी, कौन कौन से मुद्दों पर राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को फंसाएंगे, ये फंसाना रहेगा। और जिस तरीके से अब अडानी ने भी कांग्रेस की तारीफ करना शुरू कर दिया है, उससे बीजेपी विचलित हो चुकी है कि मेरे सहयोगी दल भी मुझे छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है, बीजेपी के साथ अजीत पवार ने बिल्कुल तोड़ दिया है, अलग हो गए, अजीत पवार गुट अलग है बीजेपी से, एनडीए से। सिंधे गुट भी मिलीजुली लड़ाई लड़ रहा है, लगभग टूट के गुट में अलग है। 8 सांसद बीजेपी से छिटक चुके हैं, 8 के बाद बीजेपी का आंकड़ा अगर हम बात करेंगे तो 284 पर आता दिख रहा है। अगर ऐसे में नायडू नाराज हुए
और 16 सांसद हटे तो ये सीधा आंकड़ा एकदम 268 पर आ जाएगा। क्या 268 के बाद सरकार बचेगी? मुझे नहीं लगता है कि बचेगी। ऐसे में सरकार किसी भी हालात में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की किसी भी बात को मानने से इनकार नहीं कर सकती है। चंद्रबाबू नायडू अगर सरकार से कहेंगे कि हमें चांद तारे लाइए, तो सरकार कोशिश करेगी कि किसी को भेजें और चांद तारे तोड़ के नायडू के कदमों में डाल दें, तभी ये सरकार चलेगी। आज स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है। आज पहली बार मैं देश के प्रधानमंत्री को असहाय के रूप में देख रहा हूं, जो लगातार जीतने के 20 दिन बाद भी चुपचाप खामोशी से ये सब मंजर देख रहे हैं। 100 दिन का वो प्रस्ताव भूल चुके हैं। सरकार अब कहती नजर आ रही है कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। किसी ने अभी सवाल नहीं किया है। किसी न्यूज वालों की तो सवाल करने की हिम्मत और हैसियत बची नहीं है। फिर भी वित्त मंत्री ने आके बयान दिया। ये होता है सरकार का दबाव। लोग कहते थे मोदी सरकार किसी भी हालात में किसी की बात नहीं सुनती है। मैं आपसे कह रहा था आपके मत में वो ताकत है कि आपका एक मत इन्हें जमीन की धूल चटा देगा और ये आपकी बात करते नजर आएंगे। कोई नहीं रोक सकता है। मैं ये बड़े दावे के साथ आपसे कहता हूं, हर बार कहता हूं, मैंने हर बार आपकी आवाज उठाई और उठाता रहूंगा। यही मैं कह रहा था कि आपके मत की ताकत में ये जलकर राख हो जाए। मत में बहुत गर्मी होती है और मत का प्रयोग जिस तरीके से आप लोगों ने किया है वो काबिले तारीफ है। न विपक्ष कुछ कमजोर रखा, न सरकार पक्ष बहुत मजबूत कर दी है। जो मजबूत सरकार होती है वो आज मजबूर सरकार के तौर पर भाजपा प्रस्तुत हो गई है। भाजपा ने पिछली बार पूर्व बहुमत की 2 वर्ष की सरकार में, 2 कार्यकाल की सरकार में क्या जनहित की बातें की? क्या जनहित के मुद्दे उठाए? क्या जनहित की बातें सरकार ने रखी? सरकार ने 3 तलाक का कानून पास किया। बताइए कितने लोगों का भला हुआ? सरकार ने धारा 370 हटाई, कितने लोगों का भला हुआ? राम मंदिर का निर्माण हुआ, केवल एक धार्मिक भावना को लगा के कितने लोगों का विकास के काम हुए? आज वहां कई हजार करोड़ रुपया का जो काम किया गया वो सब भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। हाँ इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक बड़ा काम गुजरात की पार्टियां करती हैं। तभी तो पेपर लीक के जो यूपी एसटीएफ ने आरोपी पकड़ा वो गुजरात राज्य का था, जो अब तक लापता हो गया, विदेश चला गया। गुजरात राज्य में रहने वाला वो आरोपी जिसने यूपी एसटीएफ ने जो आरोपी पकड़ा है, यूपी पुलिस परीक्षा का पेपर आउट कराने वाला, वो अब देश छोड़ चुका है। आखिर गुजरात में रहने वाले सभी लोग जो अपराधी होते हैं वो विदेश चले जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं। अगर ये सवाल कोई उठाएगा तो सरकार उससे सवाल करेगी, लेकिन जनमानस तो उठाएगा, जनमानस तो पूछेगा। यही सवाल तो राहुल गांधी की सदस्यता ले गया था, क्या गुजरात में सभी मोदी? आगे के शब्द हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई न कोई इन सब बातों पर फोकस करता हो। आज पूरे भारत में बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। उत्तर प्रदेश में चौकीदार ग्राम प्रहरी जो मजबूर है वो भी रह रहा है, 2500 रुपया में उसका परिवार चलेगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने होमगार्डों के पद सृजित किए हैं, इस बार 42,000। मुझे लग रहा है कि 20% पद उनमें से ग्राम प्रहरियों के लिए आरक्षित कर देने चाहिए। वो ग्राम प्रहरी होमगार्ड ही बना दिए जाए, वो ग्राम प्रहरी को मौका दिया जाए कि 42,000 पदों में से 20,000 पदों पर, मतलब 20% पदों पर 10,000 चौकीदार एडजस्ट हो सकते हैं, अगर उस होमगार्ड की भर्ती में उन्हें मौका दिया जाए। बहुत काम करने के बीसियों रास्ते हैं, काम ना करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर तो हमारा अहंकार है, फिर हमारा अपना मनोबल है। अरे आज नरेंद्र मोदी के चुनाव में जिस व्यक्ति ने जो मांगा उसे मिला। 250 बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए थी, उसके बाद प्रधानमंत्री का वोटों का कम हो जाना, और जब बनारस में बैठक को गए कोई किसी से सवाल न करना, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कचोट रहा है कि ये तूफान से पहले की शांति है। तूफान से पहले की शांति बड़ी खतरनाक होती है, लोगों के दिलो दिमाग पर छाई होती है। अभी सिर्फ इतना ही, कुछ ही देर में आपके साथ लोकसभा की चर्चा को लेकर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आपकी क्षमा के साथ दर्शकों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपसे विदा लूंगा, और सभी से अनुरोध और अपील कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। इस तरीके की बातें समाज में जाएंगी तो समाज में विघटन होने से बचेगा, जातीयता का माहौल खत्म होगा,
लोगों का भरोसा एक दूसरे पर कायम होगा, लोगों को लगेगा कि कोई तो है जो हमारी बात करने के लिए तैयार है, कोई तो है जो हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए तैयार है। मैंने स्ट्रीम ना सही तो एक छोटा सा पत्रकार मेरे लिए जी जान से लड़ने के लिए तैयार है। तो आप सबका इसी बात पर आभार और धन्यवाद, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। इसी आशा के साथ आपसे फिलहाल नमस्कार और विदा, धन्यवाद।